समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा नेता तजेंद्र विर्क के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हल्द्वानी पहुंचे थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उनके रुद्रपुर कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं सपा से जुड़े तमाम कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद अखिलेश यादव बोले कि जल्द ही उत्तराखंड में एक समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। सरकारें बीजेपी की हैं, बीजेपी को निर्णय लेना चाहिए। अब वो सरकार सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जी। सरकार ने जांच कमेटी बनाई है, इसमें सरकार ही बेहतर बता सकती है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, आपकी तरह सवाल कर सकते हैं। भारत जोड़ो ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हमने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और शुभकामनाएं हैं उनको इस यात्रा के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश से हटे तभी बेरोजगारी खत्म होगी, भाजपा हटेगी तो महंगाई कम होगी, भाजपा हटेगी तो न्याय मिलेगा। उत्तराखंड के लोगों को ये सोचना चाहिए, जोशीमठ जैसी जगह पूरी धस गई, आखिरकार ये सरकारें कर क्या रही थी, क्यों पहाड़ खोखले कर दिए? विकास या मुनाफे के लिए ये परवाह नहीं कर रहे पर्यावरण की। और आखिरकार जो EIA था, EIA, उस रिपोर्ट में क्या रहा जिसके कारण इन्हें जो सिक्योरिटी सेफ्टी रखनी चाहिए वो नहीं रखी? नो